लोकसभा चुनाव को लेकर के उदयपुर लोकसभा सीट के लिए पहला नामांकन दाखिल हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के घनश्याम सिंह तावड़ ने यह नामांकन भरा है। घनश्याम तावड़ सादगीपूर्ण तरीके से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर अपने चार समर्थकों के साथ में जिला निर्वाचन अधिकारी आनंदी को नामांकन पत्र सौंपा। आपको बता दें कि 9 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी 6 अप्रैल और भाजपा प्रत्याशी 8 अप्रैल को अपना नामांकन भरेंगे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।